हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल की अपडेट में। आज हम फिर से बात करने वाले कॉलेजेस रीओपनिंग के बारे में, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेजेस रीओपनिंग के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हम बात करेंगे डिटेल में कि क्या बात हो रही है कॉलेजेस रीओपनिंग के बारे में। ओके, इसके बारे में कुछ न्यूज़ भी आए हैं तो वो न्यूज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, तो दो दिन पहले कल ही मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्कुलर निकाला गया था कि जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ही अलाउ किया जाएगा फिजिकल क्लास के लिए। ओके, तो उनको ही स्टूडेंट्स को यानी फाइनल ईयर एंड रिसर्च के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही अलाउ किया जाएगा कॉलेजेस में लेक्चर के लिए। बाकी जो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन का ऑप्शन रखा गया था। ओके, तो इस तरीके से कुछ उनका तरफ से आया था नोटिफिकेशन, बट उनके तरफ से अभी सवाल उठाए जा रहे थे कि कॉलेजेस रीओपनिंग के बारे में। ओके, तो उसकी कुछ न्यूज़ भी आई थी तो न्यूज़ हम पहले देख लेते हैं। कॉलेजेस सुरू होतील असं राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केलं, मात्र आता कॉलेज सुरू होण्यावरती संभ्रम निर्माण झालाय। वेदांत नेम आपल्या सोबत, वेदांत, या संभ्रमामागचं कारण काय आणि विद्यापीठावरती कशी नाराजी कॉलेजेसची? ज्ञानदा, मुंबई विद्यापीठाचा जो परिपत्रक निघालेला आहे त्या संदर्भातला हा सगळा वाद समोर आलेला आहे। बुकटोक प्राध्यापक शिक्षक संघटना आहे, त्यांचा असा आरोप आहे की मुंबई विद्यापीठ हे आपली शाळा कॉलेज सुरू करण्याबाबतची जी जबाबदारी आहे ती झटकत आहे। राज्य शासनाने 3 फेब्रुवारी जो शासन निर्णय काढला त्यामध्ये असं सांगितलं होतं की राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठानं आपल्या स्थानिक प्रशासन सोबतच आपत्ती प्राधिकरणासोबत विचारविनिमय करून चर्चा करून विद्यापीठ सुरू करण्याबाबतचा निर्णय घ्यायचा आहे। मात्र मुंबई विद्यापीठाने जे 5 फेब्रुवारीला परिपत्रक काढलं त्यामध्ये असं सांगण्यात आलं की प्रत्येक कॉलेज शैक्षणिक संस्थांनी त्या ठिकाणच्या स्थानिक म्हणजे प्रशासन असेल, जिल्हाधिकारी असेल, आयुक्त असतील, त्यांच्याशी विचारविनिमय करून कॉलेज किंवा महाविद्यालय सुरू करण्याबाबतचा निर्णय घ्यायचा असं सांगितलं आहे। त्यामुळे महाविद्यालयांना ही जबाबदारी देण्यात आली जी जबाबदारी विद्यापीठाने घ्यायची होती, आणि त्याचाच विरोध आता बुकटो संघटना करते। बुकटोचं असं म्हणणं आहे की जर मुंबई विद्यापीठाअंतर्गत येणारे 780 कॉलेजेस असतील तर 15 फेब्रुवारीपर्यंत 780 कॉलेजेसनी परवानगी घ्यायची आहे का? दुसरा प्रश्न असा आहे की उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील मंत्री असतील, त्यासोबतच जे अधिकारी असतील, त्यांनी जे कुलगुरूंसोबत चर्चा केली होती त्यामध्ये कोविड टेस्टसुद्धा विद्यापीठ आणि जिल्हाधिकारी यांनी विचारविनिमय करून त्या टेस्टबद्दल निर्णय घ्यायचा आहे। मात्र या परिपत्रकात असं काही नमूद केलेलं नाही, त्यामुळे कॉलेज सुरू करण्याबाबत जी जबाबदारी विद्यापीठाने घ्यायची आहे ती कॉलेजनी आणि शैक्षणिक संस्थांनी का घ्यायची असा प्रश्न बुकटोने विचारलेला आहे। सोबतच त्यांनी उच्च तंत्रशिक्षण विभागाला सोबतच मंत्र्यांना पत्र लिहून लवकरात लवकर याबाबत लक्ष देऊन निर्णय घेण्याबाबत सांगितलं आहे। जी कामं विद्यापीठाची ती कामं कॉलेजेसनी का करावीत, महाविद्यालयांनी का करावीत हा प्रमुख आक्षेप आहे आणि म्हणून काही संभ्रम पाहायला मिळतोय। वेदांत, धन्यवाद या माहितीबद्दल। तो आपने न्यूज़ देख ली, अब उसका मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ क्या बोल रहे करके। ओके, तो मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से उनकी कोई संगठना है, बिक्टो संगठना है। ओके, तो उनके तरफ से कॉलेजेस रीओपनिंग के लिए विरोध जताया जा रहा है, मतलब वो अपोज कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कुछ भी फ्रीली कुछ बातें अभी तक क्लियर नहीं कराई गई। ओके, जो 780 जो कॉलेजेस आते हैं अंडर द मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ, ओके, तो कॉलेजेस को 780 कॉलेजेस को अपने लेवल पे कॉलेजेस रीओपनिंग के बाद बोली जा रही है। ओके, तो मतलब जो जिम्मेदारी थी मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ की तो सारी के सारी जिम्मेदारी उन्होंने कॉलेजेस के ऊपर थोप दी गई है। ओके, उसके साथ ही फिर कोविड टेस्ट कराना है कि नहीं कराना है, किसके थ्रू कराना है, अभी तक सारी के सारे बातें उन्होंने उनके तरफ से क्लियर नहीं हुए। ओके, तो उसके रीजनिंग के लिए ही उनके संगठनाएँ होती है, बिक्टो संगठना करके है मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो उनके तरफ से कॉलेजेस रीओपनिंग के लिए भी विरोध जताया जा रहा है। तो देखते हैं आगे इस प्रोसेस में भी क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।